दोस्तों, क्या हो अगर सैमी ज़ेन का कोडी रोड्स के साथ मिलना रोमन रेंस की चालो ताकि रसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स को हराने में आसानी हो। क्योंकि दोस्तों, WWE में हमने ऐसे कई मोमेंट्स देखे हैं कि मैच के लास्ट मोमेंट में ही पार्टी ही बदल दिया। और दोस्तों, शायद आपको 17 दिसंबर 2021 का स्मैकडाउन तो याद ही होगा, जब सबके सामने रोमन ने अपने एडवोकेट पॉल हीमन पर हमला किया था। क्योंकि ब्रॉक लेसनर के आने के बाद पॉल हीमन हमेशा रोमन के सामने ब्रॉक लेसनर की ही साइड लेते थे, क्योंकि रोमन से पहले वो कई सालों से ब्रॉक लेसनर की ही एडवोकेट हुआ करते थे। लेकिन रोमन के हमला करने के बाद पॉल हीमन फिर से ब्रॉक लेसनर के साथ ही चले गए। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो सिर्फ रोमन रेंस की ही चाल है। और रॉयल रंबल 2022 में पॉल हीमन ने ब्रॉक लेसनर को धोखा देकर फिर से रोमन रेंस को ही ज्वाइन कर लिया। तो इसीलिए रॉयल रंबल में सैमी ज़ेन का यू रोमन रेंस पर हमला करना और फिर कोडी रोड्स के साथ हाथ मिलाना, ये सब रोमन और पॉल हीमन की चाल भी हो सकती है। और ये हम सब जानते हैं कि रसलमेनिया 39 में जीत तो रोमन रेंस की होगी, लेकिन WWE कोडी रोड्स को भी कमजोर नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए सैमी ज़ेन धोखा दे सकते हैं कोडी रोड्स को रसलमेनिया 39 में या उससे पहले। आपको क्या लगता है हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।